हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? और सुनाओ, सब घर पे ठीक ठाक हैं? तो भाई, अगर आपकी दुकान पे इस तरीका के कोई भी फ़ोन आ जाए, आईफोन, ठीक है, चाहे वो 10 है, 11 है, ठीक है, चाहे आपके पास 6 है, 5 है, किसी भी तरीका का आईफोन कोई भी आ जाए, और जिसके अंदर आपका फ़ोन के अंदर आ रहा हो डिसेबल फ़ोन, आईफोन इज डिसेबल, तो उसे सही कैसे करोगे? इसके दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन ऐसे हैं, एक का फ़ोन का डाटा बचाया जा सकता है, एक फ़ोन का कोई डाटा नहीं बचाया जा सकता। कई बार क्या होता है कि जब ये डिसेबल जब होता है कि जब बार बार हम पासवर्ड ट्राई करते हैं ना, तो उसकी वजह से इसमें पासवर्ड आ जाता है, ये मतलब डिसेबल हो जाता है उस दौरान ये डिसेबल हो जाता, ठीक है। तो इसे सही करने के लिए आपके पास एक पीसी होना चाहिए, और उस पीसी के अंदर दो टूल होने चाहिए, एक आईट्यून होना चाहिए सबसे पहले, और एक 3U टूल होना चाहिए, और ये दोनों टूल नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिए गए हैं, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। सिंपल सा स्टेप है, कुछ भी नहीं है, आप उस फोन को बड़ी आसानी तरीका से आईफोन डिसेबल को फिक्स कर सकते हो, कहीं भी कैसे भी नहीं, चाहे आपके पास कोई छोटा फोन आए चाहे बड़ा फोन आए, ठीक है, किसी भी फोन को आप डिसेबल को सही कर सकते हो। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे। आपके पीसी के अंदर दो टूल होने चाहिए, मैंने आपको बताया, एक 3 टूल होना चाहिए और एक आईट्यून होना चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम 3 टूल या आईट्यून कुछ भी ओपन करो, जैसे मैंने आईट्यून ओपन कर लिया। आईट्यून ओपन करने के बाद में अब ये जैसे मेरा आईफोन 6 है, अब इसको मैं कनेक्ट करूंगा USB केबल से। भाई, जब भी आप किसी भी आईफोन को जाते हो, रिपेयर करते हो, मतलब उसका सॉफ्टवेयर करते हो या जेलब्रेक करते हो, तो उसका जैक चेक कर लिया करो। किसी भी फोन का सॉफ्टवेयर करने से पहले उसका जैक चेक करो। कई बार क्या होता है कि हम कस्टमर को पैसे बता देते, सब बात फाइनल हो जाती है, एंड में आके बात कहाँ टिकती है, बात टिकती है कि भाई तेरा फोन का जैक ही काम नहीं कर रहा, फोन कनेक्ट नहीं हो रहा, पर बाद में बात बिगड़ जाती है, ठीक है। तो इस चीज का भी ख्याल रखा करो। अब ये देखो, जैसे कि मैंने इसमें ये फ़ोन कनेक्ट कर दिया, ये वाला, तो ये पहले ही मेरा आईट्यून अपडेट के लिए बोल रहा, कोई नहीं मैं ऐसे अपडेट नहीं करता हूँ, तो ये कनेक्ट नहीं हो रहा। कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा? इसमें लॉक लगा हुआ या डिसेबल, इस वजह से। तो मैं फ़ोन को क्या करता हूँ कि फ़ोन को करता हूँ यहाँ से फाइनल ही स्विच ऑफ, ये किया मैंने यहाँ से स्विच ऑफ। तो ये जो होम बटन है ना, कुछ ये डाउनलोड मोड के तरीके हैं, इन फ़ोनों को डाउनलोड मोड में ले जाने के लिए किस तरीका से करना, किस तरीका से नहीं करना। हर जिस फ़ोन में बटन है होम बटन, तो उसका तो होम बटन प्रेस करेंगे तो वो रिकवरी मोड में, फ्लैशिंग मोड में या DFE मोड में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन जिसमें बटन नहीं है तो उसे कैसे करते हैं, उसे वॉल्यूम डाउन और पावर की को एक साथ प्रेस करने से वो आईट्यून पे कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो जैसे ये फ़ोन है, अब ये बंद कर दिया मैंने, अब यहाँ से सिंपल सा मैं इसे ऐसे कनेक्ट कर दूंगा, ये देखो, ठीक है, ये अब आईट्यून में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, अब ये फ़ोन कनेक्ट हो चुका। अब ये देखो सिंपल सा, इस पे स्क्रीन पे, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, अब इसका सीरियल नंबर और मॉडल नंबर ये आ चुका, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, अब आपको इस फ़ोन की फ्लैश फाइल चाहिए, जिस फ़ोन में कोई एरर शो हो रहा हो, या फ़ोन रीस्टार्ट हो रहा हो, या कोई हैंग एंड लैगो हो, या कुछ और परेशानी हो, तो उस फ़ोन के लिए हमें सॉफ्टवेयर की फुल फाइल चाहिए होती है, फ्लैशिंग फाइल जिसे हम बोलते हैं। जैसे विंडो 7 या विंडो 10 जब हम अपने पीसी में इंस्टॉल करते हैं, तो जो विंडो होती है वो हमारे पेन ड्राइव में या उसमें कुछ कहीं ना कहीं इंस्टॉल होती है, तो एक तरीका से वो कॉपी पेस्ट वाला काम करती है। तो इसी तरीका से जब आप किसी भी फ़ोन को, चाहे वो ओप्पो का फ़ोन हो, चाहे वीवो का, रियलमी का, कोई भी फ़ोन को आप फ्लैश करते हैं, तो फ्लैश उसी फ़ोन को किया जाता है जिसमें कोई एरर शो हो रहा हो, ठीक है। इन चीज़ों का भी ख्याल रखना, क्योंकि आप कई बार क्या होता है कि लॉक में सोचते हैं कि लॉक में अगर फ़ोन को सॉफ्टवेयर कर देंगे, मतलब फुल फ्लैश कर देंगे, तो वो लॉक हट जाएगा। ओप्पो, वीवो, रियलमी की ये कंपनियाँ, इनमें तो हो जाता, लेकिन सैमसंग के फ़ोनों में नहीं होता, और कई मॉडल हैं जिनमें नहीं हो पाता, ठीक है। तो मोस्टली इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखा करो, जो छोटे छोटे से पॉइंट हैं, जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि क्या है क्या नहीं मैटर है, तो आप कस्टमर को सही पैसा नहीं बता सकते कि कितने पैसे लगेंगे इस फ़ोन में। आप ये नहीं पता चलेगा कि इस फ़ोन में कितना टाइम लगेगा, आपको ये पता नहीं चलेगा कि इस फ़ोन की कितनी GB की फाइल है और मेरे नेट की स्पीड कितनी आ रही है, तो मैं इन्हें टाइम कितना दूँ, आज का दूं, कल का दूं, परसों का दूं, तो ये भी सब आपको पता होना चाहिए। अब मेरे देखो, अब ये हो गया, हम इसे आईट्यून से नहीं करेंगे, आईट्यून में एक पंगा है, पंगा भी कुछ भी नहीं है वो भी, तो हमें ना, मतलब
अगर आप सिंपल सा यहाँ से भी करना चाहते हो तो यहाँ से आप कर सकते हो, जैसे रीसेट किया मैंने यहाँ पे, रीसेट आईफोन और रीसेट टू अपडेट, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो हमारी फाइल है, जो इस फोन की फाइल है, वो डाउनलोडिंग के लिए लग जाएगी। ये देखो डाउनलोड होने लग गई, ठीक है। तो इसे ना करते हो, अगर आपकी नेट की स्पीड अच्छी है तो आप ये डाउनलोड करो, अगर नेट की स्पीड अच्छी नहीं है तो मत करो, इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो आपको सबसे पहले सिंपल सा क्या करना होगा, ये मैं यहाँ से इसे कैंसिल करता हूँ, ये कैंसिल किया मैंने यहाँ से, और ये मैं क्विट कर देता हूँ इसे यहाँ से क्लोज। तो मैंने 3U टूल ओपन किया, 3U टूल ओपन करने के लिए यस कर दिया मैंने यहाँ से, और एक मिनट ओपन हो रहा मेरा, ये ओपन हो गया, ठीक है। अब इसमें देखो सारा कुछ आ गया, सारा कुछ आ गया ना, आईफोन 6 इसका वर्जन, डेट वगैरह वगैरह सब हो गया। अब मेरे को गो फ्लैशिंग पे क्लिक करना, ठीक है, यहाँ से किया। अभी बोल रहा कि सर अगर आपके पास फाइल है तो इंपोर्ट कर लो, अगर आपके पास फाइल नहीं है तो डाउनलोड कर लो, ठीक है। ये भी अपडेट के लिए बोल रहा, तो इसे भी हम अपडेट पे लगा देते हैं, ये अपडेट लग रहा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना, मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट बताऊंगा आईफोन की, जहाँ से भी आप आईफोन की फाइल डाउनलोड कर सकते हो, कहीं कोई कैसी भी गड़बड़ नहीं होती, बड़ी आसान तरीका से हो जाती है। जब आप फ़ोन को रिकवरी मोड में लगा दोगे तो यहाँ पे ये वर्जन आ जाएगा कि इस टाइम आपके फ़ोन को कौन सा वर्जन चाहिए। इसमें दो वर्जन आ रहे हैं, एक तो इसमें आ रहा जो देखो हाई मॉडल का वर्जन होगा वो सबसे ऊपर होगा, जो लो का होगा वो नीचे होगा, ठीक है। जैसे इसमें लिखा हुआ 16H50 और इसमें लिखा हुआ 16H62, तो हमें 62 वाली फाइल डाउनलोड करनी है। तो हम सिंपल सा खोलेंगे गूगल, और गूगल खोलने के बाद में एक वेबसाइट है, वेबसाइट बहुत ही अच्छी है, इसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, वहां से जाके आप कर सकते हो। क्या खुल गया, ठीक है, ये वेबसाइट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, यहां से जाके आप कर सकते हो। सिंपल सा आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा सबसे पहले यहाँ चूज यूर प्रोडक्ट, आईफोन, आईफोन मेरा प्रोडक्ट है, ठीक है जी। और उसके बाद में यहाँ पे मॉडल सेलेक्ट करना कि कौन सा मॉडल है, आईफोन 6 है मेरा, तो आईफोन 6 का वर्जन है जी, ये आईफोन 6 है। अब ये आईफोन 6, एक मिनट, अब ये ओपन हो रहा। अब इसमें देखो ये आगे ना दो वर्जन आ गए, एक 16H50 आ गया, 16H62 आ गया। अब इनमें से जौन सी फाइल आपको चाहिए, आप कोशिश करो कि हाई मॉडल की फाइल रखो, उसे डाउनलोड करो। ये 23 तारीख का नया अपडेट आया इसका, तो हम इस पर करते हैं क्लिक, और क्लिक करने के बाद में बड़े आसानी तरीका से ये फाइल डाउनलोडिंग के लिए चल जाएगी। ये देखो ये फाइल हमारी डाउनलोड हो रही है, 3 मिनट के लिए बोल रहा, अब 3 मिनट लगे, 3 घंटे लगे, क्या करें। इस वीडियो को यहीं पे हम पुश रखते हैं फास्ट फॉरवर्डिंग, जब ये फाइल पूरी कंप्लीट डाउनलोड हो जाएगी जब काम करेंगे, ठीक है। तो ये देखो हमारी फाइल कंप्लीट हो चुकी है, और ये किया हमने सो इन फोल्डर, तो ये फाइल हमारी इधर आ चुकी है, ठीक है। तो ये फाइल हमारी किधर आई है, ये फाइल आई है हमारी डाउनलोडिंग टूल में, ठीक है। तो जैसे ही डाउनलोडिंग टूल में आई, ये मिनिमाइज कर देते हैं हम, यहाँ से इम्पोर्ट कर लेते हैं उस फाइल को, ठीक है। इम्पोर्ट किया, तो अब हमने डाउनलोडिंग में जाके और उस फाइल को सिलेक्ट कर लेना 62 और तारीख आज की डेट में, ये मैंने यहाँ पे रन कर दिया। अब ये वेरीफाई करेगा, ये वेरीफाई करेगा, ये 100 पे जाके वेरीफाई हो जाएगा, और हम यहाँ से सिंपल सा फोन को सॉफ्टवेयरिंग के लिए चला देंगे, ठीक है। ये हो गया, अब इसे सिंपल सा कुछ भी नहीं करना हमें, अब ये फ्लैश वाला बटन प्रेस कर देना, इससे क्या होगा कि ये फोन में सॉफ्टवेयर कंटिन्यू होना स्टार्ट हो जाएगा। एक मिनट मैं अभी कर देता हूँ, और आपको ना कहीं कहीं फास्ट फॉरवर्डिंग करके दिखाऊंगा काट काट के। मेरा काम होता है कि आपको कोई भी चीज़ अच्छे से दिखाना, बताना, समझाना, कहीं कोई गड़बड़ ना हो इस वजह से, ठीक है। और मैं ये चाहता हूँ कि अपनी वीडियो छोटी से छोटी रखूँ, ज़्यादा वीडियो बना के नहीं रखूँ, क्योंकि आप लोग पसंद नहीं करते बड़ी वीडियो को, ठीक है। मैंने देखा इस चीज़ को, ठीक है। तो अगर वीडियो यार अच्छी लगी है ना, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, मैं आपके लिए इतनी सारी मेहनत करता रहता हूँ, तो कहीं कोई गड़बड़ ना हो, ठीक है। और आपसे हमें बहुत प्यार है, इसलिए हम आपसे कहते रहते हैं।
तो अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, स्टार्ट फ्लैश गो कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। देखो ये मेरा फ़ोन पूरा फ्लैश हो चुका और मेरे कैमरे की बैटरी भी डाउन होगी, ठीक है। जब आप फ़ोन को डिसेबल फ़ोन को इस तरीका से सॉफ्टवेयर करोगे, फुल फ्लैश करोगे, तो ये इस तरीका का इंटरफेस आ जाएगा। इसे बोलते हैं हम हेलो स्क्रीन। अगर अगर आपको थोड़ी बहुत बाहर की आवाज़ आ रही है तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ा कैमरे की बैटरी डाउन हो गई थी। अभी मैं फ़ोन से शूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये इंग्लिश पे किया हमने, यहाँ पे अपनी कंट्री भी सिलेक्ट करते हो, जो चाहते हो वो कर सकते हो इसमें, ठीक है। अब ये आगे भाई जब बढ़ेगा, जब इसमें पहले तो वाईफाई कनेक्ट कर दोगे, वाईफाई कनेक्ट करने के बाद में जब आप इसमें आप अपनी जीमेल आईडी डालोगे, ध्यान रखना भाई जीमेल आईडी। अगर आप दुकानदार हो तो कस्टमर से वेरीफाई कर लो कि आपके पास इसकी आई क्लाउड आईडी है या नहीं है। तो आई क्लाउड आईडी है, उनसे पूछ के ये चीज सब चीज को समझना है जब आपको एग्री करना, ठीक है। अभी देखो अगर इस फोन में आई क्लाउड आईडी एक्टिवेट होगा तो ये फोन आगे नहीं बढ़ेगा। अगर ये देखो इसमें आई क्लाउड आईडी है, जो इसमें आईडी है, जो ये जीमेल आईडी है, इसका आईडी और पासवर्ड आपके पास है तो इसे आप आगे बढ़ा सकते हो, वरना नहीं बढ़ा सकते। ये तो था सारा मैटर कि अगर आपके पास कोई डिसेबल फोन आता तो उसे कैसे फिक्स करके आप सही कर सकते हो। तो ऑफिस सिंपल सा, जिस भाई के पास में आईफोन यूज करते हैं, रखते हैं वो, तो उनको तो पता ही होता है कि हमारी आईडी क्या है क्या नहीं है, तो वो इसे कर लेंगे। और जिन भाई के पास आई क्लाउड आईडी नहीं है और वो इसे अनलॉक करना चाहते हैं, तो भाई उनके पास एक ही सॉल्यूशन होता है कि आईफोन को जेल ब्रेक करो। जेल ब्रेक करने के बाद में भाई किसी डीलर से या किसी कॉन्टैक्ट, मतलब जो भी होते हैं जो इन चीज़ों का काम करते हैं, उनसे करके ये आगे बाईपास करा लो। अब ये बाईपास अगर हम करेंगे इसे अनलॉक टूल के थ्रू, तो जेल ब्रेक करके और अनलॉक टूल के थ्रू बाईपास करेंगे तो इसमें सिम नहीं चलेगी। अब सिम चलने का मैटर कुछ ऐसा है कि अभी जो अगला पार्ट आएगा, वो अगला पार्ट इस फ़ोन के ऊपर आएगा, इस फ़ोन के ऊपर। ये आईफोन है ये एक्स, तो इसके ऊपर आपको वीडियो आएगी और इसमें आपको बताया जाएगा कि क्या मैटर है क्या नहीं है। आप सबको पता होगा, आपने वीडियो तो देखी होंगी कि मेड और जीएसएम में क्या फ़र्क है। तो ये फ़ोन मेड है, इसमें पैसा लगेगा और पैसा लग के ये फ़ोन आगे पूरा जेलब्रेक बाईपास होगा और जब भी इसमें आप सिम चला सकते हो, वरना नहीं ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो चलो हमारा सिर्फ बताने का काम इतना था कि अगर आपकी शॉप पे कोई डिसेबल फ़ोन आए तो उससे कस्टमर से एग्री करके उसे वेरीफाई करो कि उसके पास आई क्लाउड आईडी है या नहीं है। तो आई क्लाउड आईडी है तो सिंपल सा उसे जिस सेटअप से, जिस तरीका से मैंने आपको बताया कि फ़ोन को कैसे फ्लैश करते हैं, तो उस तरीका से आप अपने फ़ोन को फ्लैश कर सकते हो, ठीक है। और इसकी जो वीडियो, हम इसकी वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि नहीं बनाएंगे, थोड़ा नॉइज फॉइज ज़्यादा आ रहा होगा इस वजह से। तो वीडियो को हम इतना ही यहीं पर रखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे कि किस तरीका से आप कुछ मैनेज कर सकते हो, क्या चीज़ कर सकते हो, सारी चीज़ आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। अगर यार चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो आईफोन वाले भाइयों को, और नहीं लगा तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।